अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सवाल ये, जिस तरह से आजादी के अमृत काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे, जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? शंकरलाल मेघवाल को काट के मार दिया तलवार से, पुलिस FIR नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को यहां मार दिया गोली से गाजियाबाद में, समझौते का दबाव बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो, तो करो न्याय। और नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय, तो छोड़ो कुर्सी। किसने कहा कुर्सी चिपकने को? अभी एक बार सबक सिखाया उत्तर प्रदेश ने 2024 में, और नहीं समझ आएगा तो 2027 में पूरा सबक सिखाएगी जनता। लेकिन ये दमन अब उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं।